हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कैरेक्टराइजेशन का। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? राइटर जब किसी कैरेक्टर को बनाता है, उसको शेप देता है, उसका स्केच बनाता है, तो उनमें किन चीजों का ध्यान रखता है, उसे हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल अपीयरेंस। कैरेक्टर का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा? वो लंबा होगा या नाटा होगा, मोटा होगा या पतला होगा, बॉडी बिल्डर होगा या कमजोर सा होगा? तो ये सब जो चीजें हैं, इसे हम कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस। उसका दूसरा पॉइंट क्या है? बिहेवियर। उसके कैरेक्टर का बिहेवियर कैसा होगा? अगर तो वो पॉजिटिव कैरेक्टर है तो जाहिर सी बात है, बहुत ही प्यारा होगा, हंसमुख होगा, स्माइली स्माइली सबके साथ प्रेम से बात करेगा, सब उसे बहुत चाहेंगे। ये हुआ उसका पॉजिटिव कैरेक्टर। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? ऐसा बिहेवियर होगा जिससे सब नफरत करेंगे, है ना? तो ये हो गया बिहेवियर। तीसरा पॉइंट है इनर थॉट। उसके कैरेक्टर का इनर थॉट क्या होगा? चलिए मान लीजिए कि राइटर ने उसका कैरेक्टर लिखा है एक क्रिमिनल का। क्रिमिनल गुंडा भी हो सकता है, एक डॉन भी हो सकता है और एक सीरियल किलर भी हो सकता है। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो सीरियल किलर्स हैं, उनका बिहेवियर ऐसा होता है जैसे कि नेक्स्ट डोर नेबर हो, पता ही नहीं चलता है कि उसका अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या प्लानिंग कर रहा है, किसी को मार डालने की उसकी पूरी, मतलब उसका दिमाग सिर्फ फोकस्ड है किसी का मर्डर करने में, लेकिन उसका बिहेवियर वैसा नहीं है जैसा उसका इनर थॉट है। तो ये है राइटर की इमेजिनेशन कि वो अपने कैरेक्टर का बिहेवियर और उसका इनर थॉट एकदम कॉन्ट्रोडिक्ट कर सकता है। चौथा पॉइंट होगा उनका रिएक्शन, यानी हमारे कैरेक्टर की प्रेजेंस में बाकी के लोग जो उसके आसपास हैं, उनका किस तरह का रिएक्शन होगा। उदाहरण के तौर पर, ऑफिस में एक बॉस है, चाहे वो कुछ बोले ना बोले, लेकिन उसकी प्रेजेंस से बाकी लोग कैसे बिहेव करते हैं? सब फ्रेंडली हैं, खुश हैं, या डरे डरे रहते हैं कि खड़ूस आ गया, या खुल के अपने बॉस से बात करते हैं? तो ये क्या हुआ, बाकी के लोग जो हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं बॉस की प्रेजेंस में, तो वो बॉस की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था, रिएक्शन। चलिए अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि हम इतनी डिटेल में राइटर की इमेजिनेशन, राइटर के स्केच और राइटर के ये पॉइंट्स के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अरे बाबा, राइटर ने तो इमेजिन किया, लेकिन उसकी इमेजिनेशन में जान तो आपने डालनी है एज एन एक्टर। तो जान कैसे डालेंगे जब तक आप ये ही नहीं जानेंगे कि राइटर ने क्या सोचकर आपके कैरेक्टर को कंसीव किया है? और आप जान कैसे डालेंगे? अब आती है हमारी बारी एज एन एक्टर। राइटर ने हमें अपीयरेंस दे दिया है, लेकिन उसमें हमारी वॉइस जाएगी तो जान आएगी, करेक्ट? दूसरा पॉइंट है उसका बिहेवियर। उसका बिहेवियर हम कैसे बदलेंगे? अपनी बॉडी लैंग्वेज से। तीसरा पॉइंट है इनर थॉट, और एज एन एक्टर उस इनर थॉट में हम कैसे जान डालेंगे? अपने फेशियल एक्सप्रेशन से। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। आप मुझसे कोई बात कर रहे हैं और मैं आपकी बात सुन रही हूं, लेकिन सुनते सुनते बीच में मैं कहीं कर दूं, अच्छा तो आपको मेरे फेस से पता चल गया कि मैं कुछ और ही सोच रही हूं अंदर,
कुछ सरकाज़म सी स्माइल या आंखों में थोड़ी सी टॉन्ट वाली लुक, वो आपको पता चली कि नहीं पता चली? बहुत सटल थी, लेकिन ये होता है मेरा इनर थॉट। अपियरेंस मेरा कुछ भी हो, मेरा बिहेवियर कुछ भी हो, मेरा इनर थॉट मेरे एक्सप्रेशन को जता देगा। तो ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट, रिएक्शन, यानी कि उसके कैरेक्टर के प्रेजेंस में बाकी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। अब उसमें हमने कैसे जान डालनी है? अपने गोल से। व्हाट यू मीन बाय गोल? गोल मतलब कि हम ये बात जानते हैं कि मेरे कैरेक्टर से लोग डरते हैं, या मेरे कैरेक्टर से लोग प्यार करते हैं, या मेरे कैरेक्टर को देख के लोग हंसते हैं। ये रिएक्शन मैं अगर अपने दिमाग में ध्यान से हर वक्त हर मूवमेंट में अपने ध्यान में रखूंगी, तो ऑटोमेटिकली वो मेरा गोल बन जाएगा। तो मेरी जो भी मूवमेंट होगी, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन होगा, मेरे बातचीत करने का तरीका होगा, वो उसी तरह का होगा जिस तरह से राइटर ने मेरे कैरेक्टर को लिखा है। तब आएगी जान हमारे कैरेक्टर में जो कि राइटर ने हमारे लिए लिखा है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इन चार पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा पॉइंट वाइज, हम लोग एक एक चीज पर ध्यान देंगे कि किस तरह से हम उन पॉइंट्स, जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, फेशियल नहीं, हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो फिजिकल अपीयरेंस में वॉइस, जो हमने अपनी वॉइस डालनी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वॉइस की अपने नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए अब बारी है होमवर्क की। हम लोग क्या करेंगे इस एपिसोड ऑनवर्ड्स, एक कैरेक्टर आप और मैं मिलके एक कैरेक्टर बनाएंगे, और धीरे धीरे करके एक एक वीडियो के जरिए जो भी हम उस वीडियो में टॉपिक करेंगे, उस टॉपिक के हिसाब से उस कैरेक्टर को हम लोग डेवलप करेंगे। जैसे कि आज मैं आपको एक कैरेक्टर का स्केच देती हूँ, सिर्फ आउटलाइन दूंगी। एज अ राइटर मैं कैरेक्टर का अपीयरेंस बताऊंगी आपको, उसका बिहेवियर बताऊंगी और उसका रिएक्शन बताऊंगी कि लोग उसको देख के कैसे रिएक्ट करते हैं। आपने उस कैरेक्टर में जान डालनी है, एज इन आपने बताने कि ये कैरेक्टर कौन हो सकता है, ऐसा है तो क्यों है, यू नो फिल इन द ब्लैंक्स आपने करने हैं। चलिए मैं आपको कैरेक्टर बोलती हूँ कि जो मेरे दिमाग में जो कैरेक्टर आ रहा है उसको मैंने अपीयरेंस दे दी है कि वो उसका कद 5 feet 8 inches होगा, 9 inches होगा, एज इन बहुत एवरेज हाइट है उसकी। उसका कॉम्प्लेक्शन वीटिश है, बाल काले हैं, कॉलेज जाता है, 18 से 20 साल का लड़का होगा। ये उसका है अपीयरेंस। उसका बिहेवियर कैसा है? वो डरा डरा सा रहता है, सहमा सहमा सा रहता है, लोगों से नजरें चुराता है, बात करने से कतराता है। ये उसका है बिहेवियर। उसको देख के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? हंसते हैं उसके ऊपर। कुछ तो है, कोई बात है ऐसी उसमें जिस वजह से लोग उस पर हंसते हैं। ये हो गया मेरे दिमाग में जो मैंने कैरेक्टर को स्केच किया है। अब आपने इस कैरेक्टर में जान डालनी है, आपने मुझे बताना है कि ये जो कैरेक्टर है ये क्यों लोगों से नजरें चुराता है, ये क्यों बात करने से कतराता है, और क्यों लोग इसके ऊपर हंसते हैं। यानी आपने मेरे कैरेक्टर के अपीयरेंस में, बिहेवियर में और रिएक्शन में जान डालनी है, अपने थॉट से, अपनी इमेजिनेशन से। अब ये हुआ हमारा आज के टॉपिक पे जो मैंने होमवर्क दिया। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वॉइस, फिर हम इस कैरेक्टर को वॉइस देंगे कि इसकी आवाज कैसी होगी। उसके बाद आएगा हमारा टॉपिक बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। इस कैरेक्टर को हम फर्दर डेवलप करेंगे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। तो इसी तरह से हम लोग टॉपिक वाइज इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो आपने और मैंने मिलके बनाया है, इसको हम डेवलप करते रहेंगे, एंड आवर जर्नी विल गो ऑन।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, मेरा चैनल अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू. बाय बाय.